सर, नॉमिनेशन फाइल आपने कर किया है, क्या आपके एक्सपेक्टेशन है? हाजी अनिल फजा ने नॉमिनेशन फाइल किया, उनके साथ कांग्रेस और के लीडर्स मौजूद थे, तो आपके साथ कोई सोशल या पॉलिटिकल लीडर्स आपके साथ हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन या किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ। ये मैं एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मेरे साथ ये जो पीछे मेरे साथ खड़े हैं, ये सब लद्दाख के इमर्जिंग सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स हैं, और मैं नई नस्ल की आवाज़ बनकर खड़ा हुआ हूँ, और उम्मीद करूँगा लद्दाख के आवाम से कि वो मुझ पर एतमाद जाहिर करेंगे और इंशाल्लाह भारी बहुमत से कामयाब करेंगे। सर, जो केडीए के जो अलायंस निकलना था सर, अभी नहीं हो रहा, इसके बारे में क्या कहें? क्योंकि केडीए का अभी कोई कैंडिडेट नहीं है, इसके बारे में क्या कहें? ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि केडीए के लिए 10-15 दिन पहले हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि केडीए की मीटिंग बुलाई जाए, लेकिन अभी तक केडीए की एक भी मीटिंग नहीं हुई, कैंडिडेट डिसाइड हुआ। और बहुत सारे जो हमारे मजहबी और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें बिल्कुल भी एतमाद में नहीं लिया गया, जिसका बड़ा दुख है। और ये मैं नहीं कहता हूँ, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा गया कि भाई हम स्टेक होल्डर्स को आइंदा आने वाले दिनों में एतमाद में लेंगे। होना तो ये चाहिए था कि जो भी कैंडिडेट डिसाइड हो, कोई भी हो, तो अभी हाजी साहब हुए हैं, वो भी हमारे भाई ही हैं, लेकिन जो भी हो, तमाम स्टेक होल्डर्स की मर्ज़ी से होना चाहिए था। जो नहीं हुआ, मुझे लगता है इसमें जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, बिलखसूस हमारे केडीए के को चेयरमैन हैं, उन लोगों को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उनकी वजह से ये जो एक बहुत बड़ा खिला वाक़ हुआ है और ट्रस्ट डिफिसिट पैदा हुआ है। अगर लाने के लिए कोशिशें इसके बाद अगर होता है, तो आपकी तरफ से किस किस्म के इकदाम होंगे और क्या आप इनिशिएटिव लेंगे? मैं तो पॉजिटिव हूँ, पुर उम्मीद हूँ, और मैंने आज सुबह ही जमीयतुल उलमा के जितने भी मुअज्जिज़ीन हैं, उनके साथ एक निशस्त में हाजी साहब की मौजूदगी में मैंने जमीयतुल उलमा को तमाम तर इख्तियारात मैंने दे दिए कि आप वहाँ फैसला करें, चाहे मुझे विदड्रा कराएं, चाहे हाजी साहब को विदड्रा कराएं, लेकिन उस पर जो है वो बात आगे नहीं बढ़ी। अभी मैं अपने जो लोग हैं उनसे मशवरा कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा आउटकम आता है तो हम उस पर ये उतरेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इत्तेहाद के नाम पे टैलेंट का जो कलाकमा करना, इत्तेहाद के नाम पे नौजवानों की उमंगों पर पानी फेरना, इत्तेहाद के नाम पर जो है अपनी मनमानियों का सिलसिला जारी रखना, ये तो नहीं होना चाहिए। किसी अच्छे काम के नाम पर अपनी मनमानी नहीं होनी चाहिए। इत्तेहाद का मतलब ये होता है कि आप अपने ईगो को, आप अपने जो है वो इख्तलाफात को बालाए ताक रख के वो चीज़ों को संभाले, लेकिन यहाँ ये चीज़ें बहुत कम देखी गई। इसीलिए मुझे ये पर्चे नामजदगी यहाँ दर्ज करना पड़ा, दाखिल करना पड़ा, और बहुत सारे यूथ्स हैं जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत सारे यूथ हैं, सिर्फ सजाद करगिल अकेला कोई कैंडिडेट नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो करगिल के अंदर हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें वो मौका और उन्हें वो चीज़ नहीं मिलती है, जिस वजह से लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ डेस्परेशन है। और वो जब हम देखते हैं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ अपने मकासद के लिए अपने फैसले सब पर थोपती हैं और फिर स्टेक होल्डर्स को कहती है बाद में हम एतमाद मिलेंगे, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट। सर, हाजी अनिल फजा के कैंडिडेचर को आप नॉमिनेशन को कैसे देखते हैं, और 6 तारीख तक क्या आप देखिए? हाजी अनिफा साहब को मैं बेस्ट विशेष कहूँगा, वो हमारे भाई हैं, मुझे उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन इलेक्शन लड़ना एक जमहूरी अमल है। इसमें जैसे हमने कौंसिल में बहुत सारे फ्रेंडली कॉन्टेस्ट देखे, तो इसे भी आप करगिल का एक फ्रेंडली कॉन्टेस्ट। गुज़श्ता साल के जो वाक़यात, वो मतलब दोबारा अगर रोनुमा हुआ, मतलब इसी वजह से आप दो के बीच में कहीं निकल गया हाथ से, तो ऐसे में आप पर क्या इल्जाम नहीं आएंगे? क्योंकि हनीफा जान जो है वो तो मुत्तहिदा कैंडिडेट है। किसका मुत्तहिदा? कांग्रेस और एनसी। किसका मुत्तहिदा? कांग्रेस और एनसी के। कांग्रेस और एनसी का तो इंडिया अलायंस है, और इंडिया अलायंस कहाँ गया? आप तो ये कांग्रेस और एनसी के लीडर से भी पूछे ना, मतलब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान जो इख्तलाफ हुआ है वो इंडिया अलायंस को लेकर हुआ है। लद्दाख में इंडिया अलायंस कहाँ दम तोड़ गया, ये पूछिए आप। तो इत्तेहाद या इधर नहीं है या उधर नहीं है। सर, करगिल की बात कर रहे हैं, जमीयतुल उलमा के प्रेसिडेंट आपके साथ हैं, इस सब तक रूमर्स हैं। जाहिर सी बात है वो ज़ाती तौर पर मेरे साथ होंगे, लेकिन बहैसियत सदर अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐलान नहीं हुआ है, बहैसियत जमीयतुल उलमा अभी तक कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है। मैं उम्मीद करूँगा कि जमीयतुल उलमा जो है
हमारे साथ अपने वाबस्तगी दिखाए। मैं अपनी तरफ से ये उनसे अपील करूँ। अभी भी बार्गेन करने के लिए कोई पोजीशन है आपकी तरफ से? हम इत्तेहाद के लिए हमेशा तैयार है, बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। थैंक यू।